That story, Mandakini White Sari. Yes. Yes. Oh, Dada. Yes, sir. How are you? I'm good, I'm back. She's back to you. Yeah, I have spoken to Rahi as well. So, he has something to me. So, thing is, he needs some activities right now in India. Exactly. So, everybody's cut out. She's cutting web series. Action journal. I told her, you can put in action and see that. Yes. लाइट अपोजिट है क्या? ये मैं तो साथ में हूँ। हाँ भैया। हाँ 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 लव आजकल भी मैच ये टीम। नमस्ते। हाँ मैं दीपक साथ में रहूँ। सो उस साइड कम दिस साइड। साथ में आइए सर बैनर पे करते हैं ना। कम कम। सो आप इधर आ जाइए आपको सब इधर इस साइड। Come close. पायलट को बोला था पंखा बंद है। थोड़ा क्लोज। नहीं आप लोग सब साथ में थोड़ा सा स्क्वीज़ इन कीप कोरोना डिस्टेंस फॉर मेक जोक्स आना भी है सोच रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी पर कोई पिक्चर बन रही है लेकिन वो ऑलरेडी बन चुकी है सुशांत सिंह राजपूत के साथ बट दोनों जो ये कैरेक्टर है बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है और जो दीपक भाई ने फिल्म बनाई है इसमें एक बहुत क्यूट सा सोशल मैसेज है अबाउट जो प्रेशर्स पेरेंट्स के ऊपर आते हैं बच्चों की वजह से वैसे बच्चों को प्रेशर नहीं देना चाहिए पेरेंट्स पर लेकिन कभी कभी पेरेंट्स भी यू नो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सोशल मीडिया से बच्चे भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सोशल मीडिया से तो एक अनोइंगली कभी कभी प्रेशर आ जाता है तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट और ये सॉल्व कैसे होता है हमारा जो प्रिंसिपल कैरेक्टर है उसकी जर्नी और इन्होंने बहुत खूबसूरती से भी दिखाया बिकॉज इन्होंने काफ़ी फ्लैशबैक्स फ्लैश फॉरवर्ड्स अलग अलग लोकेशन में ले गया ये तो 15 मिनट्स आप बहुत इन्जॉय करेंगे एंड इट्स अ वेरी प्लेजेंट नाइस हैप्पी फिल्म जी आपका ये डेब्यू है yeah. किस तरह आपका एक्सपीरियंस रहा है हाउ वाज योर एक्सपीरियंस डायरेक्टिंग Yeah, he's very nice and he's a director's actor, I think. He never, मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसमें सर ने एक भी चेंजेस करने के लिए नहीं कहा तो आई एम वेरी लकी आई फील क्योंकि बाकी जो एक्टर होते हैं चेंजेस लाते हैं ही बिलीव्स इन द डायरेक्टर्स विजन एंड इनको स्क्रिप्ट जैसे अच्छी लगी थी तो ये मैं बहुत लकी मानता हूँ कि इन्होंने एक भी चेंजेस नहीं कहा मुझे करने के लिए इनको मनाना थोड़ा डिफिकल्ट था कि बहुत इजी था दो बार में मना लिया हाँ दो बार में मना लिया थैंक्स टू एल्बो रूम दैट वाज वेरी अभी ग्लास रूम हो गया है दैट वाज अ लकी प्लेस फॉर मी तो आई थिंक इट विल बी रियली लकी जब ऑडियंस इसको देखेगी और एंजॉय करेगी आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग किसी भी डायरेक्टर या एक्टर के लिए बिल्कुल चंगे सर कितना कुछ सोचना पड़ा एंड व्हाट मेड यू टू चूज लाइक यू हैव टू डू दिस मूवी देखो मैं वैसे मैंने कुछ ज्यादा शॉर्ट फिल्म्स की नहीं है मैंने की थी टैप टैप इनके पहले जो अब रिलीज होने वाली है
और फिर ये जब ले आए थे, मुझे काफ़ी शॉर्ट फिल्म्स के ऑफर आते हैं, बट मुझे पता नहीं इनके सब्जेक्ट में मुझे क्या अच्छा लगा है, जस्ट फेल्ट इट वॉज प्लेजेंट नाइस विद अ गुड मैसेज, तो मैंने कर लिया. बिकॉज मेरा जो मीडियम है इज़ ऑल कमर्शियल सिनेमा. मुझे वो दो घंटे वाली डिशुम डिशुम कॉमेडी वाली फिल्म्स बहुत पसंद है. मैं वो फिल्म्स देखता हूँ और ऐसी फिल्मों में मैं काम भी करता हूँ. सो ये उसको छोड़कर दिस वॉज समथिंग रियली न्यू एक्सपेरिमेंटल, बट वॉज फन. आखिरी पास्ता मैं बहुत लकी हूँ कि लोगों का माइंड सेट एंड उन्होंने इतनी अच्छी तरह से खूबसूरती से इस कैरेक्टर को एक्सेप्ट किया है और मुझे इतना प्यार लव देते हैं. बट मुझे पता है कि मैं आखिरी पास्ता तो कभी कर नहीं पाऊँगा लाइक दैट, बिकॉज वो आखिरी पास्ता हाउसफुल के साथ ही जाता है. इज़ मोर लाइक जेम्स बॉन्ड और लाइसेंस टू डू एनी थिंग से एनी थिंग और फिर बोल आई एम जोकिंग. बट मैंने और भी कैरेक्टर्स किए, लाइक जो मैंने नेपाली का रोल किया था अपना सपना मनी मनी में, राणा जंग बहादुर, उसमें मैं फिल्म फेयर में भी नॉमिनेट हुआ था, एंड अ लॉट ऑफ अदर कैरेक्टर्स. बट मेरा ये हमेशा स्ट्रगल रहा है कि मैं जो भी कैरेक्टर चुनता हूँ मैं उसको थोड़ा कॉकटेल बनाता हूँ, तो उसको 100% ऑथेंटिक नहीं रखता हूँ. अगर मैंने आखिरी पास्ता किया इटालियन तो उसमें मैंने थोड़ा अफगानी भी डाल दिया उसके एक्सेंट में, तो अगर आप उसको ठीक से सुने तो कभी कभी पठान भी साउंड करता है. जैसे मैंने नेपाली का कैरेक्टर किया था उसमें मैंने थोड़ा बंगाली डाल दिया था. ये सब इसलिए होता है बिकॉज आई एम अ बैड एक्टर, मेरे से नकल नहीं होती किसी की, तो नकल करते करते दो तीन एक्सेंट आ जाते हैं. मुझे लगता है हाँ आई थिंक दैट इज़ वॉट पीपल इन्जॉय बिकॉज इट्स नॉट परफेक्ट. तो बस इसमें भी हमने कुछ कोशिश की है, लेकिन दिस इज़ अ मोर सीरियस नोट काइंड ऑफ थिंग, इट्स नॉट आउट एंड आउट कॉमेडी. राइम स्टार एक्चुअली, तो ये जो भी डायलॉग्स है ना राइमिंग में है, लाइक इन अ पोएटिक मैनर ही टॉक्स. मैंने बहुत स्ट्रगल और मैंने बहुत पापड़ भी ले फिल्म लाइन में आने के पहले. आई थिंक 18 साल की उम्र में मैंने प्लान किया था कि मैं एक्टर बन जाऊं, और 23 साल की उम्र में मुझे मेरी पहली फिल्म मिली. तो कितने साल हो गए, 3-5 साल हो गए, और 5 साल में काफ़ी मस्ती की मैंने, इन्जॉय किया, स्ट्रगल किया. और हम सबका स्ट्रगल अलग ही होता है you know? और मैं हमेशा अपनी बिटिया को भी बोलता हूँ कि कभी किसी की नकल करने की कोशिश मत करो, बिकॉज हर एक्टर की स्टोरी अलग होती है और एक्टर सिर्फ चलता है अपनी फिल्मों की वजह से और किसी चीज़ की वजह से नहीं चलता है. तो फिल्में कैसे आती हैं, दैट्स ऑल्सो अ वेरी बिग स्टोरी. कभी कोई पिक्चर छोड़ दे और आपको वो फिल्म मिल जाए, वो चल जाए, या कोई किसी की डेट्स अवेलेबल नहीं और आपको ये फिल्म मिल जाए, और कभी कभी गलती से आप कोई फिल्म छोड़ दे और वो सुपर हिट हो जाए. सो इट्स लाइक अ स्टॉक मार्केट. इसके अलावा चंगे सर, अनन्या पांडे लाइक तेलुगु में अभी डेब्यू करने जा रहे हैं, विजय के साथ काफी फोटोज उनकी वायरल हो रही है. देवकोंडा, उसको एनाकोंडा बुला रहे हो लोग. क्या कहना चाहते हैं फिल्म फेयर में, मतलब ऑलरेडी वो बेस्ट डेब्यू का खिताब जीत चुकी है ना तेलुगु. अरे वो मेरे को लगता है अपने पापा की नकल कर रही है, बिकॉज पापा ने फिल्म की थी ना तेलुगु हिंदी साहू, तो लगता है बेटी ने भी डिसाइड किया चलो मैं दिखाती हूँ आई एम बेटर देन माई पापा. बट ये बहुत ही कमाल की फिल्म उसने साइन की, आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज डायरेक्टर तो जगन्नाथ पुरी, वन ऑफ द टॉप डायरेक्टर्स ऑफ इंडिया आई वुड से, एंड बहुत ही कमर्शियल डायरेक्टर है. उसकी सब फिल्में आजकल हिंदी में बनी है, वांटेड एंड सो मेनी अदर फिल्म्स. तो राउडी राठौड़, एंड ऑल्सो आई थिंक ये जो अभी रणवीर की पिक्चर आई थी सिम्बा, दिस इज ऑल हिज ओरिजिनल तेलुगु फिल्म्स, टेम्पर एंड स्टफ. तो अनन्या बहुत कुछ सीखेगी वहाँ, एंड आई थिंक शी विल बिकम अ ग्रेट कमर्शियल हीरोइन. Release होने वाली ये short film and when they can see it. Yeah, it is available on MX player. Okay. You can watch the film on MX player. Sir, आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे भाई पिक्चर देखना, मेरे Instagram हैंडल पे जाना, Twitter हैंडल पे जाना, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बोलना मेरे बारे में, फिल्म के बारे में, प्लीज इंजॉय इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. फॉर मोर अपडेट्स लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल.